हेलो फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी की चोली बनाना सीखेंगे। ये चोली 4 नंबर की कान्हा जी की है। इसे बनाना शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे उनसे, इसमें 17 चैन बनाते हैं। सबसे पहले नोट लगाते हैं, नोट लगाने के बाद इसमें 17 चैन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 17 17 चैन लेने के बाद हम इसमें एक चैन और बनाते हैं। एक चैन बनाने के बाद एक चैन को छोड़ के दूसरी चैन में सभी में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। क्रोशिया को डालते हैं, पीछे से ऊन लेते हैं और 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह हमारा ये सिंगल क्रोशिया बनता है। इस तरह हम सभी चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, जिससे ऊपर ये कॉलर सी बन जाती है ऊपर। सभी चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस रो में हमारे 17 सिंगल क्रोशिया हो जाते हैं। हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो में शुरू में हम 3 चैन बनाते हैं। 3 चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर एक हम डबल क्रोशिया और बनाते हैं। हमारी एक चैन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। सभी चैन के अंदर हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही चैन में। एक वापस इसी चैन में 1 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमें सभी चैन के अंदर 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। लास्ट में हमारे इसमें 34 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सभी चैन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस रो को भी अब कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। इसमें हमारे 34 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। हम थर्ड रो में आ गए। शुरू में 3 चैन बनाते हैं। 3 चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया और बनाते हैं। हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अगली चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। एक उससे अगले में भी 1 बनाएंगे। अगली में भी 1 बनाएंगे। इस तरह में 3 चैन के अंदर 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमारे 5 तो हो गए। अब चौथी चैन आ गई तो उसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक तो हमने बना लिया, ये दूसरा। हर चौथी चैन के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 चैन में हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चौथी चैन आ गई। चौथी चैन में हम वापस 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर उसे अगले 3 चैन में हम 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। फिर चौथी चैन आ गई। चौथी चैन में वापस से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट में हमारे इसमें 42 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। है थर्ड रो भी कंप्लीट कर लिए। थर्ड रो में हमारे अब 42 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। हम फोर्थ रो में आ गए। फोर्थ रो में शुरू में 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद पहली चैन में तो नहीं बनाएंगे, पहली चैन छोड़ देंगे दूसरी चैन के लिए। 1
डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली में बनाएंगे तीन, चौथी में चार, पाँच, छः, छः डबल क्रोशिया छः चेन में बना लेंगे। शुरू की तीन चेन वाला भी एक डबल क्रोशिया हो जाता है, पांच और बना लेंगे, इस तरह हम छः चेन के अंदर छः डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर हम नौ चेन छोड़ देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ छोड़ के दसवीं चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनेंगे, पीछे हम एक तो बन गया, ग्यारह और बना लेंगे तो पीछे के हमारे बारह डबल क्रोशिया हो जाएंगे। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ये बारह, ये हमारे बारह पीछे के हिस्सा हो गया। अब वापस से हम नौ चैन छोड़ देंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ छोड़ के दसवीं चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक अब आगे एक तरफ छः डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार पाँच लास्ट वाली चेन में से बनाएंगे छः। इस तरह हमारी ये दोनों बाजुएं बन जाती हैं। अब हमारी फिफ्थ लाइन में आ गई, फिफ्थ लाइन में हम सभी चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो शुरू में हम तीन चेन बनाते हैं, पहली चेन का डबल क्रोशिया तो हो गया इसलिए पहली चेन को छोड़ देंगे, दूसरी चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चेन में हम एक डबल सभी चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। हमने फिफ्थ रो भी कंप्लीट कर ली है, ये हमारी चोली बन जाती है। इसमें हम अब एक हाफ डबल क्रोशिया की लाइन और निकालेंगे। तो हम सिक्स रो में आ गए, सिक्स रो में हम शुरू में दो चैन बनाते हैं, पहली चैन को छोड़ देते हैं, दूसरी चैन में तीन का एक साथ एक कर देते हैं, इस तरह ही हमारा हाफ डबल क्रोशिया बनता है। सभी चैन के अंदर हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना के इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमने सिक्स रो भी कंप्लीट कर लिए, हमारी चोली ये पूरी हो जाती है। इसको हम दूसरी तरफ से स्लिप चैन से जोड़ देते हैं और इस ऊन को कट कर देते हैं। अब हम वाइट कलर की ऊन लेते हैं जिससे हम चोली के आगे का और गले का और बाजू का बॉर्डर बनाएंगे। सबसे पहले नीचे के चैन से हम व्हाइट कलर की उनको अटैच कर लेते हैं। एक चैन बनाते हैं, एक चैन बनाने के बाद जो हमारा ये एक डबल क्रोशिया आता है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। अगर हम एक चैन लेते हैं जब तो हम अगले वाले डबल क्रोशिया के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। अगर हम चैन नहीं लेते हैं तो एक डबल क्रोशिया के अंदर ही हम दो डबल एक डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम दो सिंगल क्रोशिया बना देते हैं। फिर आगे हम दो सिंगल क्रोशिया बना देते हैं। इस तरह भी बना सकते हैं और एक चेन लेग भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम चेन वाला बनाएंगे, एक चेन लेते हैं हम एक चेन बनाएंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, अगले वाली चैन बनाते हैं, फिर उससे अगली में हम एक
सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। फिर हम एक चैन लेते हैं, फिर उसे अगले वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। फिर एक चैन लेते हैं, फिर उसे अगले वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह बनाते हैं हम ऊपर तक आ जाते हैं। एक चैन लेते हैं, अगले वाले में हम इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर एक चैन लेंगे, फिर हम ऊपर वाली चैन में आ गए। यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। फिर उसके बाद हम दो चैन लेते हैं, एक रे दो चैन। दो चैन लेने के बाद वापस इसी चैन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया और बनाते हैं। इस तरह बनाने से हमारे यहाँ पे चोली के आगे का ऐसे कोना बन जाता है। अब हम गले पर आ गए। गले पर हम सभी चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम चैन नहीं लेते, सभी चैन के अंदर हम एक एक डबल सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। बीच में हमें चैन नहीं लेनी रहती इसमें। इस तरह हम गले के पूरा करके दूसरी तरफ भी पूरा कर लेते हैं। इस तरह मैं दोनों तरफ वाइट कलर से बॉर्डर बना लिए। लास्ट में एक चैन बना के सून को हम कट कर देते हैं। इधर की तरफ दूसरी तरफ ला के हम इसे स्लिप चैन से जोड़ते हुए कट कर देते हैं। हमारे आगे का सून को हम पीछे हमारे लिए बॉर्डर बन जाती है। अब हम बाजू का बॉर्डर बनाते हैं। शुरू में पहले हम उनको यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। एक चेन बनाते हैं जिसमें हमने गले पे बनाया था, उसी तरह सभी चैन के अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना रहता है। इसमें हम इसमें नीचे तक आ जाते हैं। वापस से जहाँ से शुरू किया था उसी चैन में हम आके इसको स्लिप चैन से बंद कर देते हैं। एक चैन बना के उनको यहाँ से हम कट कर देते हैं। उनको पीछे ले जाके से क्रोशिया हुक में डाल के से पीछे की तरफ कर देते हैं। इस तरह हमारी बाजू का बॉर्डर बन गया। हम इस तरह दूसरी बाजू का बॉर्डर बना लेते हैं। इस तरह हमने दूसरी तरफ की बाजू का बॉर्डर बना लिया। हमारी चोली कंप्लीट हो जाती है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।